फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनिकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है और प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी वैसे भी डाउन हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में कोई भी इन्फेक्शन जैसे होता है, कोई भी यूरिन इन्फेक्शन या फिर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब बहुत कॉमनली होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो जाए तो उसके लिए आपको तुरंत क्या करना है जिससे कि आपको तुरंत राहत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बात की कि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। अब क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं, इस मौसम में सर्दी जुकाम वैसे ही काफ़ी कॉमनली होता है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आपको क्या करना है? देखिए, प्रेगनेंसी के जो शुरू के 3 महीने होते हैं और जो आखिरी के 3 महीने होते हैं, उसमें सर्दी जुकाम होना थोड़ा खतरे की बात होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज से फीवर आ रहा है, तो आप एक तो मेडिसिंस नहीं ले सकते हो। तो कई बार क्या होता है, शुरू के 3 महीने में एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसे ही बाद के 3 महीने में बच्चे पे दिक्कत हो सकती है या फिर जल्दी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो इसलिए शुरू का 3 महीना और बाद का 3 महीना बहुत ज़्यादा रिस्क वाला रहता है, क्योंकि इसमें आप लिमिटेड मेडिसिंस ले सकते हो। तो आपको सर्दी जुकाम से बच के रहना है। लेकिन अगर आपको फिर भी सर्दी जुकाम हो गया है तो आप कुछ होम रेमेडीज अपना सकते हो, जैसे कि आप गर्म पानी पियो, हल्दी वाला दूध ले सकते हो, अदरक की चाय ले सकते हो, या फिर विक्स वेपरअप जो आता है उसको अप्लाई कर सकते हो। अपने हेड पे अप्लाई कर लो, गले पे अप्लाई कर लो, उससे आपको थोड़ा सा खांसी में आराम मिलेगा, सर्दी में आराम मिलेगा। मार्केट में जो है बहुत सारी लोजेंजेस आती हैं, आप वो ले सकते हो, जैसे कि विक्स की आ गई, स्ट्रेप्सिल्स आ गई, वो सब आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इनहेलर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्टीम ले सकते हो। स्टीम के लिए या तो मार्केट में स्टीमर आता है, आप उससे स्टीम ले सकते हो, नहीं तो फिर अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करके टॉवल से ढक के आप तब स्टीम ले सकते हो, या फिर आप गागल्स कर सकते हो, गर्म पानी करके उसमें या तो नमक डाल के गागल्स कर लो या फिर बीटाडीन के गागल्स कर लो। तो ये सब कुछ कॉमन होम रेमेडीज थी जो कि आप अपने घर पे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको सर्दी जुकाम में आराम मिल जाए। ये सब एंटी एलर्जिक की तरह एक्ट करती हैं और आपको सर्दी जुकाम से रिलीफ कराने में काफ़ी हेल्प करती हैं, साथ ही साथ में आपको खांसी में भी काफ़ी आराम आ जाता है। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों से आराम नहीं आ रहा है, आपको ज़्यादा ही वो दिक्कत हो रही है, तब उस केस में आप दवा भी ले सकते हो। देखो, नॉर्मली तो अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार आता है तो आप कॉम्बीफ्लेम ले लेते हो, अगर कहीं पे दर्द हो रहा है कॉम्बीफ्लेम ले लेते हो, या फिर कोई भी एनसेट्स ले लेते हो, ब्रूफेन टाइप का। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको एनसेट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही ड्रग सेफ होती है, पैरासिटामोल। अगर आपको बुखार आ रहा है या फिर बदन दर्द भी हो रहा है तो आपको सिर्फ पैरासिटामोल लेनी है, जो कि क्रोसिन 500 या फिर डोलो 650। प्रेगनेंसी में सिर्फ यही सेफ होती है लेना, बाकी कोई भी एनसेट सेफ नहीं होता है। साथ में एलर्जी के लिए आप लिवोसिट्रिजीन ले सकते हो, वो सेफ रहती है। लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको 3-4 दिन हो गए आपको सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिल रहा, फिर आप फीवर आपको परसिस्टेंट रह रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनइजीनेस हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस केस में आपको तुरंत अपनी गायनेक से मिलना है और फिर वो कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको वो लेना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको आराम नहीं मिल रहा तो आपको खुद से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी एंटीबायोटिक सेफ नहीं होती हैं। आपके डॉक्टर आपको हो सकता है एजिथ्रो दे या फिर ऑगमेंटिन दे या फिर और कोई एंटीबायोटिक दे। काफ़ी सारी सेफ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर को पता होती हैं, तो आपको सिर्फ उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन से ही एंटीबायोटिक लेनी है। खुद से कोई भी एंटीबायोटिक मत लीजिए कि जिससे कि आपके बेबी को कोई भी इफेक्ट पड़े। तो जब भी अगर आपको सिम्टम्स में रिलीफ नहीं आ रहा है तो तुरंत अपनी गायनेक को कंसल्ट कीजिए, वो कुछ मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करेंगी, आप वो मेडिसिंस ले लीजिए, उससे आपको यूजुअली आराम मिल जाता है। इसके साथ में होम रेमेडीज तो फॉलो करते ही रहिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सर्दी जुकाम से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप क्या होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपको तुरंत रिलीफ मिल जाए, कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, एंटीबायोटिक्स आपको कब लेनी है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो आज इस वीडियो में हमने डिटेल में जानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।